तो फ्रेंड्स चलिए आज मैं जो अनबॉक्सिंग किया था जो टेबल फैन का, तो ये आज हम लोग फिट करने वाला है। कैसे इसको फिट किया जाता है वो आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर सारे सामान पूरा यहाँ पर रखा है, यहाँ पर ब्लेड मोटर वगैरह जो भी यहाँ पर स्टैंड वगैरह यहाँ पर रखा है, अभी मैं इसको फिट करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखता हूँ इसको कैसे फिट किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम इसको फिट करेंगे इस टैंक को। तो इसका जो भी स्क्रू है यहाँ पर पहले निकालना पड़ेगा आपको। स्क्रू को सबसे पहले निकाल लेता हूँ। इसका ऐसा स्टैंड है, इसको ऐसे इसको लगाना है। तो चलिए इसको मैं फिट कर लेता हूँ यहाँ पर। चलो जो स्क्रू में निकाला था इसको सबसे पहले ये मैं देख सकते हैं, एक एक करके लगाना है नहीं तो दिक्कत हो रहा है। दूसरा स्क्रू भी स्क्रू भी हो गया। अभी लास्ट चौथा स्क्रू बाकी है, थोड़ा स्टेप कर लेना है इसके बाद इसको भी। तो यहाँ पर देख सकते चारों स्क्रू यहाँ पर मैंने लगा लिया, तो इसको थोड़ा टाइट करना है, प्लस से आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो ये स्टैंड यहाँ पर ऑलरेडी लगा लिया। इसको नीचे ऐसे कर दे रहे हैं, इसको कवर कर दे रहे हैं। तो अभी बाकी बाकी ये जो मोटर यहाँ पर देख सकते हैं,
इस मोटर इसको अभी फिट करना है। तो इसके लिए आपको स्टैंड को खोलना पड़ेगा, इसके बाद इसके अंदर से स्टेक का ऐसा एक रॉड जैसा आएगा, इसके बाद इसको टाइट कर देना है। अभी इस मोटर को लगाना है, ये पर देख सकते हैं। तो इस मोटर को लगाना कैसे है, तो यहाँ पर इसका पीछे यहाँ पर देख सकते हैं एक होल दिया है, ये जो होल है ये इसके अंदर ऐसे लगाना है, थोड़ा इसको लूज कर लेना है नहीं तो अंदर नहीं जाएगा यहाँ पर। तो इसको ऐसे यहाँ पर लगा देना है। और एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर नीचे एक लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस नाम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका स्टेट ये मोटर को यहाँ पर इसका मुंह ऐसे रखना है इस दिशा में, ताकि यहाँ पर देखने को अच्छा लगेगा ऐसा। तो चलिए इसको अभी टाइट कर देता हूँ। इसका पीछे यहाँ पर देख सकते हैं ये इस मोटर को अभी टाइट कर देना है, ताकि इस चलिए इसको टाइट कर दिया मैंने। अभी इसको लगाना है, ये जो जाली है यहाँ पर देख सकते हैं इसको कहाँ पर लगाना है आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है इसमें आपको ये फिट करना है, तो इसके लिए आपको इस जो नाट है इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं निकाल लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर लगा लिया फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो अभी इस जो ये जो नाट है इसको थोड़ा टाइट करना है। तो यहाँ पर ये लगा लिया। अभी ये जो ब्लेड है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो ब्लेड अभी ये ब्लेड को लगाना है। इसके लिए ऐसे ये आपको मिलेगा, इसको लगा देना है।
और ये जो है ये तो ये हो गया, अभी बाकी है ये इसके ऊपर का कवर। जो नाम है इसके लेवल के नीचे में इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी फिट हो गया। तो चलिए इसको मैं चालू करके देखता हूँ क्या कैसे चलता है। तो ये अब इसका जैक है और दिया है। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये बस स्टार्ट किया और तो इसका पीछे एक यहाँ पर देख सकते हैं एक रेगुलेटर जैसा दिया है इसको स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको देखता हूँ। तो एक नंबर पे दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हवा आ रहा है यहाँ पर। तो इसको दो नंबर पर देता हूँ तो और भी थोड़ा स्पीड है दो नंबर पर देख सकते हैं। और तीन नंबर पर भी देखता हूँ तो तीन नंबर पर और भी स्पीड काफ़ी अच्छा स्पीड है ये। तो पूरा जो फैन है ये सेटिंग कर लिया, काफ़ी अच्छा भी स्पीड है तो ठीक ठाक है। कितना समझ तक तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को ताकि दूसरों को भी पता चलो।